चलिए बच्चों, आज मैथ्स का हमारा ये चैप्टर है। सीए फाउंडेशन के अंदर अपने जो मैथ्स है, मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 है, रेशो एंड प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉगरिथम्स। तो बच्चों, ये जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, रेशो, जो चैप्टर नंबर 1 दे रखा है, रेशो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम्स, ये चारों टॉपिक अलग अलग हैं। पहले मैं आपको रेशो के बारे में बताऊंगा, इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा, फिर मैं प्रोपोर्शन के बारे में बताऊंगा, इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा, फिर इंडाइसेस करेंगे, फिर लॉगरिथम्स करेंगे। तो किस तरीके से फिर कराऊंगा मैं सारे, आपको जो भी एग्जांपल्स हैं वो आपके स्टडी मटेरियल के ही कराऊंगा, स्टडी मटेरियल की एक्सरसाइज कराऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोगों को क्या चीज़ देखना जरूरी है कि इसके क्या नियम है, क्या रेशो क्या चीज़ कहता है, किस तरीके के रेशो होते हैं, इसके नियम क्या हैं, ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज हैं। जब तक हम वो नहीं समझेंगे, हमें ये बात समझ में नहीं आ पाएगी बच्चों कि किसके क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम इसके नियम लिख लेते हैं और सारी बातें कर लेते हैं कि किस तरीके से ये होने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो चलिए बच्चों, आप लोग मेरे साथ साथ लिखना चालू करें कि ये रेशो के क्या नियम है, किस तरीके से हम काम करते हैं। तो लिखें बच्चों सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आप लोग लिखिए इसके अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशो क्या चीज है? रेशो है सिंपलेस्ट फॉर्म, हेडिंग डालें रेशो, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे कैसे दिखाते हो आप रेशो को? देखो, अगर मैं आपको ये बात बोलता हूं, पहला पॉइंट अगर मैं आपको बोलूं फाइंड फाइंड रेशो ऑफ 100 एंड 150, अगर मैं आपको इसका रेशो निकालने को बोलूं तो आपको कैसे निकालना चाहिए रेशो? 100 अपॉन 150। फिर इसको आप फैक्टराइज करोगे, 0 से 0 गया, फिर 2 से इसको फैक्टर करोगे, 2 5 जा 2 2 5 जा 10, 2 से नहीं जाएगा ये, रुको, 5 से जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो यानी इसको आप कैसे लिखोगे? 2:3। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसको कैसे लिखा? 2:3 करके लिखा 100 और 150 को। तो बस इसी को ही हम रेशो कहते हैं, इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले आप लिखें टाइप्स ऑफ रेशो। अब रेशो कितने टाइप्स के होते हैं वो लिखो। सबसे पहला आएगा हमारा डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट रेशो, ठीक है। अब देखो डुप्लीकेट रेशो कैसे होते हैं, डुप्लीकेट रेशो ऑफ, जैसे अब मैं आपको बोलूं डुप्लीकेट रेशो को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर्स ऑफ ओरिजिनल रेशो, स्क्वायर्स ऑफ ओरिजिनल रेशो, ठीक है जी। अब जैसे मैं मान के चलिए आपको बोलूं डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए अपॉन बी का डुप्लीकेट रेशो निकालो, तो क्या करोगे आप? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यही करोगे आप, क्योंकि तो मैंने क्या लिखवाया? स्क्वायर्स ऑफ ओरिजिनल रेशो, अपना आपका जो भी ओरिजिनल रेशो है, जैसे आपका ओरिजिनल रेशो था, इसका आपने स्क्वायर कर दिया, तो वो डुप्लीकेट रेशो हो जाएगा। जैसे हर ये अपन धीरे धीरे करके टाइप्स ऑफ रेशो सारे सीखेंगे, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अब मान के चलिए अगर मैं आपको ये बात बोलता हूं कि फाइंड, एक एग्जांपल के रूप में समझ लेते हैं ये बात, फाइंड डुप्लीकेट रेशो ऑफ, फाइंड डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3/5। अगर 3/5 का डुप्लीकेट रेशो बोलूं आपको तो आप कैसे निकालोगे? ये ऑब्वियस ही बात है, स्क्वायर करना है इसको, 3/5/5। 3 3 जा, कैसे करोगे? 3 का पावर 2 है 5 की पावर 2 है, तो 3 3 जा 9 एंड 5 5 जा 25। तो इस तरीके से आ जाएगी ये बात, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं और आगे, अब बढ़ते हैं अपन और आगे। तो देखो आगे क्या बात बोलते हैं इसमें, अब मैं आपको बोलूं ट्रिप्लीकेट रेशो किसे बोलते हैं। तो देखो सेकंड है हमारा ट्रिप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो,
तो देखो ट्रिप्लीकेट रेशो का मतलब होता है क्यूब ऑफ ओरिजिनल रेशो, जैसे वो था ना स्क्वायर ऑफ ओरिजिनल रेशो, अब ये है क्यूब ऑफ ओरिजिनल रेशो, ओरिजिनल रेशो का क्यूब। अब अपन बात करें, मैं बोलूं आपको ट्रिप्लीकेट रेशो निकालो आप ए अपॉन बी का, ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ ए अपॉन बी, अब कैसे निकालोगे ए क्यूब अपॉन क्यूब, क्योंकि देखो क्यूब बोला मैंने, क्यूब ऑफ ओरिजिनल रेशो, ट्रिप्लीकेट से नाम से पता लग रहा है कि ट्रिपल से मतलब है, और बी क्यूब ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। अब एग्जांपल के तौर पे लिखें फाइंड फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ वन अपॉन टू, तो आप कैसे निकालेंगे इसको, वन का क्यूब अपॉन टू का क्यूब, ठीक है, तो वन वन जब इसको वन इंटू वन इंटू वन एंड टू इंटू टू इंटू टू, तो कितना हो गया वन अपॉन टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, तो आंसर कितना हो जाएगा वन अपॉन एट। तो चलिए अब तीसरा आता है हमारे पास सब डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो। अब सवाल बच्चों देखो ये उठता है कि सब डुप्लीकेट रेशो क्या चीज है, ठीक है, तो देखो देखते हैं सब डुप्लीकेट रेशो के लिए, तो देखना स्टार्ट करो इसके अंदर, सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए अपॉन बी, तो इसमें हम कैसे लिखते हैं सब डुप्लीकेट रेशो में, आप लिखोगे रूट ए अपॉन रूट बी, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिखो फाइंड फाइंड सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए, ये आ जाएगा 9 अपॉन 16, मान लो 9 अपॉन 16 का करें अपन, तो कितना आएगा रूट का 9 का रूट और 16 का रूट, ठीक है, यही करेंगे आप, तो 9 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये आ जाएगा 3 और 16 का निकालते हो तो ये आ जाएगा 4, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके कुछ टाइप्स ऑफ रेशो, उम्मीद है यहाँ तक की बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और अब हम इससे आगे की बात करते हैं और कौन कौन से और किस किस तरीके के रेशो हैं वो देख लेते हैं बात अपनी, तो नोट डाउन करें आगे आप। तो चलिए देखते हैं फोर्थ नंबर के हमारे पास आ रहा है क्या, सब ट्रिप्लीकेट रेशो, सब ट्रिप्लीकेट रेशो। अगर मैं आपको बोलूं कि निकालो सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ ए अपॉन बी, तो वो कितना हो जाएगा, तो आप इस तरीके से लिखोगे ऐसे अपॉन बी बार और फिर रूट बी, ठीक है। तो चलिए अब इसको अगर अपन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखो इसको अगर आप सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं सब ट्रिप्लीकेट निकालने के लिए, तो आप लिखें यहाँ पे सब फाइंड सब ट्रिप्लीकेट ऑफ फाइंड सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 8:27। अब आप देखो 8 के अगर मैं फैक्टर कर दूं तो कितना हो जाएगा 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो तीन बार आ रहा है, ऐसे ही 27 के कर दूं मैं तो 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3, तो इस हिसाब से देखा जाए तो तीन बार हो रहा है ना, ये भी तीन बार हो रहा है, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे रूट का 8 और बाहर लिख दो 3, ट्रिप्लीकेट को ऐसे लिखते हैं अपन, रूट का 27 और बाहर लिख दो आप 3, ठीक है बच्चों, तो सब ट्रिप्लीकेट में आपको इस तरीके से लिखना है। तो अगर हम बात करते हैं देखो, अगर मैं समरी लिखता हूँ इन सब की, अब तक मैंने क्या क्या चीज़ें आपको बताई समरी के अंदर, फर्स्ट मैंने बात बताई आपको डुप्लीकेट,
ठीक है। फर्स्ट मैंने आपको क्या बात बताई, डुप्लीकेट इज स्क्वायर ऑफ रेशियो, डुप्लीकेट के बारे में बताया, डुप्लीकेट इज द स्क्वायर ऑफ रेशियो, स्क्वायर करते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया ट्रिप्लीकेट, ठीक है, ट्रिप्लीकेट इज क्यूब ऑफ रेशियोज। थर्ड सब डुप्लीकेट, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो, स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो। फोर्थ मैंने बताया, फोर्थ है आपका सब ट्रिप्लीकेट, वो है क्यूब रूट ऑफ रेशियोज, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ रेशियोज। ठीक है जी बच्चों, यहाँ तक बात। चलिए बच्चों, और किस किस तरीके के रेशियो हैं वो भी देख लेते हैं अपन। और अब आ रही है बात आपकी इनवर्स रेशियो के ऊपर। अब फिफ्थ नंबर का देखो रेशियो, देखो वो क्या है, वो है इनवर्स रेशियो, ठीक है जी। अब इनवर्स रेशियो को आप कैसे लिखते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि इनवर्स इनवर्स रेशियो ऑफ ए अपॉन बी इज, रेसिप्रोकल कर दो बी अपॉन ए, ठीक है। तो इनवर्स रेशियो क्या होता है, एक तरीके से रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल को ही अपन इनवर्स रेशियो कहते हैं, ठीक है जी। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बात बोलता हूँ, फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ 5/7, अब क्या बात बोलोगे, 5/7 का 7/5, 6th आता है कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो, ठीक है। अब कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियोज, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियोज, ठीक है। मैं अगर आपको बोलता हूं एग्जांपल के तौर पे, फाइंड कंपाउंडेड, फाइंड कंपाउंडेड रेशियोज ऑफ 3/5 एंड 4/8, तो आप क्या बोलोगे, सर देखो 3/5 इंटू 4/8, तो 4 × 4, 4 × 2 = 8, तो 3 × 3 और 5 × 2 = 10, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 3/10। तो कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन करना, ठीक है। इस तरीके से हमने ये 6 तरीके के रेशियो देखे, और अब हम क्या चीज़ देखने वाले हैं, इसके अंदर एक प्रैक्टिस के टाइप आपसे एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। मान के चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं बोलूँ आपको कि क्वेश्चन है फाइंड कंपाउंड रेशियो ऑफ, कंपाउंड रेशियो निकालना है हमको, फाइंड कंपाउंड रेशियो ऑफ डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/2, सब डुप्लीकेट ऑफ 4/9, और फिर लिखें ट्रिप्लीकेट ऑफ 1/3 एंड इनवर्स रेशियो ऑफ 3/4। तो देखो डुप्लीकेट अपन ने क्या काम किया, अपन को कंपाउंड रेशियो निकालना है, तो क्या लिखेंगे, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/2,
कंपाउंड में सब इनटू करते हैं, इनटू सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट ऑफ 4/9 इनटू ट्रिप्लीकेट ऑफ 1/3 और इनटू इनवर्स ऑफ 4/3, इनवर्स ऑफ सॉरी 3/4। तो देखो डुप्लीकेट अगर आपको करना है तो डुप्लीकेट में अपन क्या काम करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 × 1 = 2, 2 = 4, ठीक है। सब डुप्लीकेट, अब हमको सब डुप्लीकेट निकालना है, सब डुप्लीकेट के अंदर अपन क्या काम करते हैं, सब डुप्लीकेट के अंदर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का 3 आ जाएगा। और ट्रिप्लीकेट के अंदर हम क्या काम करेंगे, 1 × 1 × 1 यानी 1, 3 × 3 × 3 यानी 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 और इनटू इनवर्स, इनवर्स है तो इसका उल्टा कर दो, इनटू 4/3। तो चलो अब हम इसको काटा पीटी करते हैं, तो 4 से 4 कट गया, तो 2 × 1 = 2, 3 × 27 × 3 ये आ जाएगा 243, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हमें क्वेश्चन इसको सॉल्व करने होते हैं, कंपाउंड रेशियो अगर आ जाए तो। अब मैं आपको कराऊंगा कुछ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, तो उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं अपने स्टडी मटेरियल के कुछ क्वेश्चन। तो ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ स्टडी मटेरियल एक बार खोल के दिखाता हूँ आपको, ये है आपका स्टडी मटेरियल। इस स्टडी मटेरियल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये रेशो हमने किया, अब इसके एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ आपको मैं, इसके सारे मैंने बेसिक्स आपको बात बता दिए हैं और इसकी एक्सरसाइज चालू हो रही है 1A से। तो 1A से ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से कैसे करना है क्या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों करते हैं स्टार्ट हमारी एक्सरसाइज 1A। तो इस पर बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, तो एक्सरसाइज 1A के अंदर अपन देखेंगे। 1A में तो जो हमने बातें पढ़ी उनमें किस किस तरीके के क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 पर आए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द इनवर्स रेशियो ऑफ, द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15 इज, अगर आपसे इनवर्स रेशियो पूछा जा रहा है 11:15 का, तो 11 इसको कैसे लिखेंगे, 11/15, इसका अगर आप इनवर्स निकालते हैं, इनवर्स मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 15/11, दैट इज 15:11, तो ये आंसर हो जाएगा। तीनों ऑप्शन के अंदर ये आंसर आपका है ए। चलिए बच्चों अब बात करते हैं हम इसके आगे की। अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 2। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, क्या लिखा है, द रेशो ऑफ 2 क्वांटिटीज 3:4 इज द एंटीसीडेंट इज 15, ठीक है। द कॉन्सिक्वेंट इज तो देखिए बच्चों अगर मैं इसका सॉल्यूशन की बात करूं तो आपका पूछा ही है, देखो 3:4 है, ये होता है एंटीसीडेंट, ठीक है, और ये होता है कॉन्सिक्वेंट, तो यानी 3/4 है ना, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज 3:4 इज द एंटीसीडेंट इज 15, तो इसका इसके इक्वलेंट 15 के मानेंगे, एंटीसीडेंट 15 है, कॉन्सिक्वेंट इसका अपन को नहीं पता,
ठीक है, तो अब आप कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आपको पता लग जाएगा। तो यानी इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, तो अब आप कैसे करने वाले हैं, हम इसके अंदर करने वाले हैं, 3 को x से करोगे तो 3x एंड इज इक्वल्स टू 15 इंटू 4, तो 3x इज इक्वल्स टू 15 4 जा 60 एंड x इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा हमारा 20। तो 20 आपका x की वैल्यू आ जाएगी। तो 15 का जो कॉन्सिक्वेंट होगा वो क्या होगा, 20 होगा। तो इसका आंसर है डी। तो उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। तो चलिए बच्चों एक्सरसाइज का आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, द रेशो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7। आगे लिखें, इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स रिवर्स रेशियो इज 5, रिवर्स रेशियो इज 5, ठीक है, देन एक तो हो गया कॉन्सिक्वेंट, देखिए एक होता है एंटीसीडेंट। अब आपसे क्या चीज पूछ रहे हैं, देन एंटीसीडेंट इज तो देखो आपके पास है द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज 5:7, ठीक है, तो ये हो गया आपका एंटीसीडेंट और ये हो गया कॉन्सिक्वेंट। अब देखिए इसका अगर हम कर दें रिवर्स और तो ये कितना हो जाएगा 7/5, तो 5 आपका क्या हो जाएगा कॉन्सिक्वेंट, तो एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा 7। यही आपसे पूछ रहे हैं कि एंटीसीडेंट क्या होगा, तो यही आपका आंसर है, एंटीसीडेंट क्या होगा 7, तो आंसर इज 7। ठीक है जी बच्चों, इसका आंसर 7 हो जाएगा। चलिए बच्चों अब आती है हमारे पास बात क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बात बोलता है, लिखा है द रेशो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, ठीक है, 2:3 के बाद लिखें रेशो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6 एंड 8:10 इज। तो देखो 2:3 को आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन करते वक्त कंपाउंड करना है इनका, 2/3 इंटू 9/4 इंटू 5/6 इंटू 8/10, ठीक है जी। अब आप इसको अगर फैक्टराइज करते हैं तो कैसे करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 4 1 4, 4 2 8, 2 1 2, 2 5 10, 5 5 कट गया, 3 1 3, 3 3 9। तो बच्चों देखो यहाँ पर तो बच रहा है 3 और मजे की बात है कि नीचे भी बच रहा है 3 और 1:1 आंसर हो जाएगा, यानी इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपके पास ए। अब देखिए अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, लिखा है द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:4 इज, ठीक है, द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:4 इज, तो यानी आपको सॉल्यूशन के अंदर 3:4 का डुप्लीकेट निकालना है। तो डुप्लीकेट जब भी हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 3 3 जा
9, 4, 4 = 16, तो ये इसका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी है। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। लिखता है द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:36 is, सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या काम करना है, 25/36 लिखना है, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे आप, 25 का रूट और 36 का रूट, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 5/6, रूट करके देखो 5 आएगा, 36 का रूट 6 आएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 5:6, ये आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, लिखा है द ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 2:3 इज, देखो ट्रिप्लीकेट रेशो है, ट्रिप्लीकेट रेशो है का फॉर्मूला अपने प्रॉपर्टी क्या होती है, a³/b³, तो आपको क्या काम करना है, 2³/3³, यानी 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, तो ये आंसर हो जाएगा आपका और ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ए। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक की सारी बातें, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात भी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। चलिए बच्चों अब हमारे पास आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर लिखा है द सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 8:27 इज। अब देखो प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, तो मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी सब ट्रिप्लीकेट की, वो थी a/b = √a and √b, तो वही बात आ गई 3/8/327, और सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 2/3 आएगा, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो अब बात यहां पर आती है नेक्स्ट, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 9, लिखें द रेशो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 and duplicate ratio of 3:4 is, and duplicate ratio of 3:4 is, ये हो जाएगा 4/9 ×, क्योंकि कंपाउंड करना है और डुप्लीकेट रेशियो इसका लेना है, यानी 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4/9 × 3 × 3 = 9 and 4 × 4 = 16, फैक्टराइज करो तो 9 × 9 गया, 2 × 2 = 4 और 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, यह आ जाएगा आपका 1/4 और 1:4, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है जी। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, तो लिखें the ratio compounded of 4:9, the duplicate ratio of 3:4 and replicate
रेशो ऑफ 2:3 एंड 9:7 इज, देखिए देखिए क्या चीज आती है, देखिए इसके अंदर क्या चीज आती है कि आपको देखो बच्चों से यूजुअली इन क्वेश्चंस के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर गलती हो जाती है। क्या क्या कहना चाहते हैं आपसे, कह रहे हैं द रेशो कंपाउंड ऑफ 4/9, तो कंपाउंड है तो यानी इनटू होगा, डुप्लीकेट रेशो 3/4 का, तो 3/4 का डुप्लीकेट करते हो तो 3 3 9 एंड 4 4 16 एंड रेशो ट्रिप्लीकेट ऑफ, तो यानी 2 2 4 4 2 8 तीन बार इंटू करना है एंड 3 3 9 9 3 27। तो कई बच्चे क्या काम करते हैं, आगे देखो एंड लिखा हुआ है इसको नहीं पढ़ते और ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 2:3 एंड 9:7 का भी ट्रिप्लीकेट कर देते हैं, जबकि 9:7 में 9/7 आपको एज इट इज लिखना है। चलिए फैक्टराइज करके देखते हैं, यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल, 4 1 4 4 4 16 4 1 4 4 2 8 3 3 9 और 3 9 ठीक है 27 और कट जाएगा, क्या कट रहा है, और यहाँ पर सारे तो अपन ने काट दिए इसमें, तो 2 3 6 हो गया और ये कितना हो जाएगा 9 7 63। और फैक्टराइज कर दो इसको 3 से 3 2 6 3 2 6 3 1 3 यानी 2/21, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 2:21। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो वो भी अपन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर देखो क्या बात लिखी है, क्वेश्चन नंबर 11 है, लिखा है द रेशो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशो ऑफ 4:5 ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 1:3 एंड सब डुप्लीकेट रेशो एंड सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 81:256 एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 125:512 इज, देखो सॉल्यूशन करते वक्त हमको क्या काम करना है, कंपाउंड यानी इनटू करना है डुप्लीकेट रेशो ऑफ 4:5 यानी 4 4 16 5 5 25 इनटू ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 1:3 यानी 1 को 3 बार इनटू करेंगे 3 को 3 बार करेंगे तो 27 आ जाएगा, तब डुप्लीकेट रेशो 81 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 9 और 256 का स्क्वायर रूट करोगे तो आ जाएगा 16 ठीक है। तो अब आती है बात यहां पर कि हमको सब ट्रिप्लीकेट रेशो करना है 125 और 512 का, 125 और 512 का अगर आप सब अपना सब ट्रिप्लीकेट रेशो करते हो यानी क्यूब रूट निकालते हो तो कितना आएगा, देखो हमारे पास ये आ जाना चाहिए, हमारे पास अब आप देखो इसको फैक्टराइज करके निकालोगे तो 512 को और 125 को निकालते हो तो कितना आता है, देखो 125 को अगर हम निकालें इसमें तो देखो कितने से जा रहा है, ये जा रहा है आपके 5 2 10 5 1 5 ठीक है, और फिर इसके बाद चला जाएगा ये आगे, ऐसे करें देखो इसको आप, ये हमने गलती कर दी थी, ये है अपना 5 2 10 2 बच गया 5 5 25 फिर से 5 से करें तो 5 5 25 फिर 5 1 5 तो ये तीन बार चला गया यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 ठीक है।
अब हमें किससे करना है, अब हमको करना है, अब हमें करना है इसके अंदर 512 को, ठीक है। तो 512 को निकालेंगे अब हम 512 को, ठीक है। तो 512 को अगर आप निकालते हैं तो उसको 2 से करो, तो 256 2 2 4 और ये आ जाएगा 2 5 10 और 2 बचा और फिर ये आ जाएगा 2 6 12। फिर आगे 2 से करेंगे आप तो ये 128 हो जाएगा, फिर आप 2 से करेंगे ये आ जाएगा 64, अगेन 2 से करेंगे ये आ जाएगा 32। फिर आप करते चले जाओ, देखो इसको, फिर 2 से करो 16, फिर 2 से करेंगे 8, अगेन 2 से 4, अगेन 2 से 2, 2 1 2, तो ये पूरा फैक्टराइज हो रहा है। तो यानी अगर हम इसका सब ट्रिप्लिकेट निकालते हैं तो ये कितना आ रहा है हमारे पास,